हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी, राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 2 बहुपद भाग 7 में हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली 2.3 की प्रश्न संख्या 1 से 5 तक की। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या एक में हमसे कहा गया है विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में पी एक्स को जी एक्स से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। विभाजन करना है, विभाजन की प्रक्रिया को दिखाना है, फिर आपको बताना है भागफल क्या आया और शेषफल क्या आया। दो बहुपद दिए गए हैं, एक पी एक्स और एक जी एक्स। पी एक्स में आपको भाग लगाना है किसका बच्चों, जी एक्स का। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, पी एक्स और जी एक्स दोनों को मानक रूप में लिखेंगे, उसके पश्चात विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके भागफल और शेषफल ज्ञात कर लेंगे। देखिए प्रश्न संख्या एक का भाग एक, हल में लिख लीजिए जो पी एक्स और जी एक्स दिया गया है उसको मानक रूप में। यहाँ पी एक्स हमें दिया गया है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, मानक रूप में ही है, घात 3 वाला, 2 वाला, 1 वाला और अचर पद। फिर तथा जी एक्स हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये मानक रूप में नहीं है क्योंकि घात 2 वाला पद तो है लेकिन 1 घात वाला पद नहीं है, तो इसको मानक रूप में लिखेंगे किस प्रकार से, एक्स स्क्वायर प्लस गुणांक में 0 ले लेंगे एक्स 1 घात वाले में माइनस 2। अब जी एक्स का भाग लगाएंगे हम पी एक्स में, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 0x, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 से हम विभाजित कर देंगे पी एक्स को। पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 प्लस 5x माइनस 3, इसको विभाजित करना है जी एक्स अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 से। तो हम क्या करेंगे, इसकी उच्चतम भाज्य बहुपद की उच्चतम घात वाले पद एक्स क्यूब को पहले विभाजित करेंगे भाजक बहुपद की उच्चतम घात वाले पद एक्स स्क्वायर से, हमें मिल जाएगा एक्स। ये जो भागफल आया है इसे लिख देंगे हम यहाँ पर, इस भागफल से पूरे भाजक को गुणा करके यहाँ लिखते हैं ना, तो गुणा कीजिए एक्स से इसको और लिख दीजिए, ये आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 0x स्क्वायर माइनस 2x। फिर घटा लेंगे, घटाने पर क्या करते हैं बच्चों, चिन्ह चेंज करते हैं, एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब माइनस का कैंसिल, माइनस 3x स्क्वायर में से 0x स्क्वायर गया तो माइनस का 3x स्क्वायर, प्लस 5x प्लस 2x कितना हो गया प्लस का 7x और ये माइनस का 3। अब उच्चतम घात वाला पद कौन बच गया, माइनस 3x स्क्वायर, इसमें भी भाग लगाइए x स्क्वायर का, कितना आ जाएगा माइनस 3। ये जो भागफल आया है उसको पहले वाले भागफल के साथ लिख दीजिए माइनस 3, माइनस 3 से भाजक को गुणा करके यहाँ लिख दीजिए, तो जब आप माइनस 3 से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर को तो आ जाएगा माइनस 3x स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस में 0x, ये आ जाएगा प्लस में 6। फिर हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो घटाने से पहले चिन्ह चेंज, ये माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 3x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 7x प्लस 0x क्या हो जाएगा 7x, माइनस 3 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस का 9। अब देखिए शेषफल की जो घात है वो भाजक की घात से कम आ गई, तो विभाजन की प्रक्रिया यहीं खत्म, और लिख दीजिए अतः भागफल क्यू एक्स, भागफल बहुपद को हम क्या बोलते हैं क्यू एक्स, कितना आया एक्स माइनस 3, तथा शेषफल बहुपद को हम बोलते हैं आर एक्स, शेषफल आर एक्स कितना आया आपके पास 7x माइनस 9। इस प्रकार से विभाजन एल्गोरिथम को दिखाइए और फिर लिख दीजिए भागफल और शेषफल। अगला देखिए प्रश्न संख्या एक का भाग 2, और हल में वही पी एक्स और जी एक्स को लिखेंगे। सबसे पहले पी एक्स तो हमें दिया गया है x की घात
चार माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस में पाँच। मानक रूप में नहीं है क्योंकि देखिए घात तीन वाला पद क्या है, मिसिंग है, वो नहीं है, तो उसको लिखेंगे तो गुणांक ले लीजिए जीरो, एक्स की घात चार, एक्स की घात तीन वाले को जीरो गुणांक लेके लिखेंगे बच्चों, एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस पाँच। और जो जी एक्स दिया गया है उसे भी लिख लीजिए, जी एक्स बहुपद हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक माइनस एक्स, मानक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स को पहले लिख देंगे और प्लस के एक को बाद में। जी एक्स से विभाजित कर दीजिए पी एक्स को, देखिए हमें विभाजित करना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक से, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक से पी एक्स को, पी एक्स कितना है बच्चों, पी एक्स है एक्स की घात चार प्लस जीरो एक्स क्यूब, एक्स की घात चार प्लस जीरो एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर, माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस चार एक्स प्लस पाँच, प्लस चार एक्स प्लस पाँच। वही उच्चतम घात वाले पद में उच्चतम घात वाले पद का भाग लगाएंगे, एक्स की घात चार में भाग लगाएंगे एक्स की घात दो का, हमें मिल जाएगा एक्स की घात दो। इस भागफल को लिख देंगे यहाँ पर एक्स की घात दो, भागफल से हम पूरे भाजक को गुणा करके यहाँ लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर से गुणा कीजिए इसको, ये आ जाएगा एक्स की घात चार माइनस एक्स की घात तीन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर क्या करते हैं बच्चों, घटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, फिर घटाएंगे तो देखिए एक्स की घात चार प्लस का, एक्स की घात चार माइनस का, ये हो गया कैंसिल, जीरो एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कितना हो गया एक्स क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का तीन एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का चार एक्स स्क्वायर, ये प्लस का चार एक्स और ये प्लस में पाँच। अब उच्चतम घात वाला पद कितना बच गया एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब को विभाजित कर दीजिए भाजक की उच्चतम घात वाले पद एक्स स्क्वायर से, ये मिल जाएगा आपको एक्स, कितना मिल जाएगा एक्स, प्लस का आया तो पहले वाले भागफल के साथ लिख दीजिए प्लस में एक्स, प्लस के एक्स से भाजक बहुपद को गुणा करके यहाँ लिख दीजिए कितना आएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर घटा लीजिए ये माइनस ये प्लस ये माइनस, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसिल, प्लस का चार एक्स स्क्वायर माइनस का चार एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस का तीन एक्स स्क्वायर, प्लस का चार एक्स माइनस का एक्स हो जाएगा प्लस का तीन एक्स और ये प्लस का पाँच। अब उच्चतम घात वाला पद है माइनस तीन एक्स स्क्वायर, इस उच्चतम घात वाले पद माइनस तीन एक्स स्क्वायर में भाग लगा दीजिए एक्स स्क्वायर का, कितना आएगा माइनस का तीन ही आएगा ओनली बच्चों, कितना आएगा माइनस का तीन, इसको लिख दीजिए इन भागफलों के साथ यहाँ पर माइनस तीन, और माइनस तीन से गुणा कर दीजिए इसको और फिर लिख दीजिए नीचे तो आ जाएगा माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस तीन। देखिए माइनस तीन से एक्स स्क्वायर को गुणा करेंगे माइनस तीन एक्स स्क्वायर, माइनस तीन को माइनस एक्स से गुणा करेंगे प्लस का तीन एक्स, माइनस तीन को एक से गुणा करेंगे माइनस का तीन, फिर चिन्ह बदल लीजिए और घटा लीजिए प्लस माइनस प्लस, ये प्लस का तीन एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस का तीन एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का तीन एक्स माइनस का तीन एक्स ये भी कैंसिल, पाँच और तीन कितना हो गया आठ, पाँच और तीन कितना हो गया आठ। अब उच्चतम घात वाला पद जीरो है, घात जीरो है, अब भाग शेषफल की यहाँ घात दो है, कम घात वाला बच गया, अतः विभाजन की प्रक्रिया समाप्त, और लिख देंगे अतः क्यू एक्स भागफल बराबर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस तीन आर एक्स, शेषफल हमें मिल जाएगा आठ, शेषफल कितना मिल जाएगा आठ। इस तरीके से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या एक के भाग दो को भी। फिर देखिए आगे भाग तीन, यहाँ पर जो पी एक्स दिया गया है वो है पी एक्स दिया गया है एक्स की घात चार माइनस पाँच एक्स प्लस छः, इसको मानक रूप में लिखेंगे तो एक्स की घात चार प्लस जीरो एक्स क्यूब, स्क्वायर वाला पद भी नहीं है तो जीरो एक्स स्क्वायर
माइनस पांच एक्स, एक्स वाला पद और ये अचर पद छ, जी एक्स लिख लीजिए, तथा जी एक्स आपके पास है दो माइनस एक्स स्क्वायर। मानक रूप में लिखेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, पहले एक्स वाला पद नहीं है तो जीरो एक्स, और ये प्लस का दो सबसे आखिरी में लिखेंगे अचर पद को, ठीक है। अब इससे विभाजित करेंगे हम पी एक्स को, तो देखिए विभाजन कीजिए बच्चों, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस दो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस जीरो एक्स प्लस दो, इसका भाग लगाना है पी एक्स में। पी एक्स कितना है, x की घात चार, जीरो एक्स क्यूब जीरो एक्स स्क्वायर, एक्स की घात चार जीरो एक्स क्यूब जीरो एक्स स्क्वायर, माइनस का पाँच एक्स और प्लस का छ। प्रथम पद उच्चतम घात वाले पद में उच्चतम घात वाले पद का भाग लगाएंगे, x की घात चार में माइनस एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे, कितना जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इस भागफल से हम भाजक को गुणा करके यहाँ लिखेंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो एक्स की घात चार प्लस में, जीरो एक्स को माइनस एक्स स्क्वायर से गुणा किया तो माइनस में जीरो एक्स क्यूब, जीरो माइनस एक्स स्क्वायर को दो से गुणा करेंगे तो माइनस में दो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। चिन्ह बदल लीजिए, ये माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस का, एक्स की घात चार प्लस में एक्स की घात चार माइनस में कैंसिल, जीरो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स क्यूब जीरो एक्स क्यूब, जीरो एक्स स्क्वायर में दो एक्स स्क्वायर जोड़ेंगे तो दो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये माइनस का पाँच एक्स और ये प्लस का छः। अब उच्चतम घात वाला पद दो एक्स स्क्वायर, उसमें माइनस एक्स स्क्वायर का भाग लगाएंगे तो आ जाएगा माइनस में दो, माइनस के दो से गुणा कीजिए भाजक बहुपद को, आपको मिल जाएगा दो एक्स स्क्वायर प्लस का, माइनस में जीरो एक्स, माइनस में जीरो एक्स, और माइनस दो को प्लस दो से गुणा करेंगे तो माइनस में चार, ये माइनस का, ये प्लस का, ये भी प्लस का, ये हो गया कैंसिल, माइनस पाँच एक्स प्लस जीरो एक्स हो जाएगा माइनस का पाँच एक्स, छः और चार कितना हो जाएगा दस, छः और चार कितना हो जाएगा बच्चों दस, अतः है क्यू एक्स भागफल तो आ जाएगा आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दो, आर एक्स शेषफल हो जाएगा माइनस पाँच एक्स प्लस दस, कोई दिक्कत नहीं है ना, हल कर लेंगे प्रश्न संख्या एक के भाग तीन को भी इसी तरीके से। फिर बढ़ते हैं आगे, देखिए प्रश्न संख्या दो, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। आपको दो बहुपद दिए गए हैं, एक है बहुपद एक, बहुपद एक, ठीक है, दूसरा है बहुपद दो, किसी के भी पदों में हो सकता है, x के पदों में हो सकते हैं, y के में हो सकते हैं, s के में हो सकते हैं, t के पदों में भी हो सकते हैं। तो ये आपको क्या करना है, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग देना है, पहले बहुपद का भाग लगाना है दूसरे बहुपद में और बताना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं। तो गुणनखंड है या नहीं ये कैसे पता करते हैं बच्चों, देखिए अगर हमारे पास दो बहुपद हैं, एक है जी एक्स और एक है पी एक्स, और जी एक्स का पी एक्स में भाग लगाने पर आर एक्स अगर आपको मिलता है जीरो, आर एक्स अर्थात शेषफल अगर हमें जीरो मिलता है तो हम कहेंगे जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है। क्या कहेंगे, जी एक्स पी एक्स का गुणनखंड है अगर शेषफल जीरो मिला तब, लेकिन अगर शेषफल आपको जीरो नहीं मिला तब आप क्या कहेंगे कि ये जो जी एक्स है पी एक्स का गुणनखंड नहीं है। अब इस प्रश्न को हल करते हुए हम ध्यान देंगे बच्चों, जब भी हम पहले बहुपद का दूसरे बहुपद में भाग लगाएंगे तो एक को जी एक्स और दूसरे को क्या मान लेंगे पी एक्स, ठीक है ना, पहले वाले को जी एक्स और दूसरे वाले को पी एक्स मान लेंगे, अगर वो टी के पदों में है तो जी टी और पी टी के रूप में मान लेंगे। शेषफल पे विशेष ध्यान देंगे, अगर शेषफल जीरो आया तो कहेंगे कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है, नहीं आया शेषफल जीरो के बराबर तो हम कहेंगे कि गुणनखंड भी नहीं है। देखिए प्रश्न संख्या दो का भाग एक, इसको जब आप हल करें तो देखिए टी के पदों में दिख रहे हैं जो बहुपद है टी के पदों में, तो लिख लें माना
जी ऑफ टी, भाजक को तो आप क्या मान लें, जी एक्स पी एक्स है ना, इस जी एक्स मान लेंगे, तो यहाँ टी के पदों में तो जी टी, तो कितना है पहला बहुपद टी स्क्वायर माइनस तीन, मानक रूप में लिखेंगे तो यह जाएगा टी स्क्वायर प्लस जीरो टी माइनस तीन, तथा जो दूसरा बहुपद है उसको आप मान लें पी ऑफ टी, कितना है दो टी की घात चार प्लस तीन टी की घात तीन माइनस दो टी की घात दो माइनस नौ टी की घात एक माइनस बारह। अब हमें पहले का भाग लगाना है दूसरे में, तो टी स्क्वायर प्लस जीरो टी, टी स्क्वायर प्लस जीरो टी माइनस तीन का भाग लगाना है, भाग लगाना है किसमें, दो टी की घात चार, दो टी की घात चार प्लस तीन टी क्यूब, तीन टी की घात तीन माइनस दो टी की घात दो, दो टी की घात दो माइनस नौ टी माइनस बारह। भाग लगाइए बच्चों, देखिए उच्चतम घात वाला पद दो टी की घात चार, दो टी की घात चार, भाजक में उच्चतम घात वाला पद टी की घात दो, भाग लगाएंगे तो दो टी की घात दो बच जाएगा, कितना बच जाएगा दो, यहाँ लिख देता हूँ बच्चों दो टी की घात दो बच जाएगा। ये जो भागफल आया है इसको भाजक बहुपद से गुणा करके यहाँ लिखेंगे और फिर घटा लेंगे, तो दो टी की घात दो को टी स्क्वायर से गुणा करेंगे तो दो टी की घात चार प्लस जीरो टी की घात तीन माइनस छः टी की घात दो। देखिए दो टी स्क्वायर को माइनस तीन से गुणा करेंगे तो माइनस का छः टी स्क्वायर आएगा, घटा लीजिए बच्चों, प्लस में दो टी की घात चार माइनस में दो टी की घात चार कैंसिल, तीन टी क्यूब में से जीरो टी क्यूब गया तो तीन टी क्यूब बच गया, प्लस का छः टी स्क्वायर में से दो टी स्क्वायर गया तो प्लस में चार टी स्क्वायर, माइनस का नौ टी माइनस का बारह अपनी जगह। ठीक है, अब उच्चतम घात वाला पद तीन टी क्यूब, इसको विभाजित कीजिए भाजक की उच्चतम घात टी स्क्वायर से, आपको मिल जाएगा तीन टी, कितना मिलेगा तीन टी, प्लस का मिलेगा तो यहाँ लिख दीजिए पहले वाले भागफल के साथ अगला भागफल भी तीन टी, तीन टी से इसको गुणा कर दीजिए बच्चों, यह आ जाएगा तीन टी क्यूब प्लस जीरो टी स्क्वायर माइनस नौ टी, और ये घटा लेंगे तो चिन्ह चेंज करके जोड़ते हैं बच्चों। ठीक है, घटाने के लिए चिन्ह चेंज करके हम जोड़ देते हैं, तीन टी क्यूब में माइनस तीन टी क्यूब जोड़ोगे, ये लो घटा लिया जीरो आ गया, चार टी स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर कितना हो जाएगा जीरो टी स्क्वायर हो जाएगा चार टी स्क्वायर, ये माइनस का नौ टी और प्लस का नौ टी कैंसिल, कितना बच गया जीरो टी, और ये माइनस का बारह। अब उच्चतम घात वाला पद चार टी स्क्वायर, इसको टी स्क्वायर से विभाजित करोगे तो प्लस का चार आएगा, गुणा कर लीजिए इसको प्लस के चार से, चार टी स्क्वायर प्लस जीरो टी माइनस बारह ही आएगा, घटा लें बच्चों, शेष फल कितना बचेगा जीरो। लिख देंगे क्योंकि आर एक्स बराबर जीरो इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। एक क्या है बच्चों, गुणनखंड है, हमें जांच करनी थी ना कि गुणनखंड है या नहीं, किस प्रकार से करेंगे, सिर्फ हम शेषफल को देखेंगे, शेषफल अगर जीरो आया तो हम कहेंगे कि गुणनखंड है, नहीं आता तो हम कहते कि गुणनखंड नहीं है। ये कार्य आपको माइंड में करना है या रफ नोटबुक में कीजिए, ठीक है, इस तरीके से आप प्रश्न संख्या दो के भाग एक को हल कर लेंगे, विभाजन करेंगे, विभाजन करके देखेंगे शेषफल, जीरो आया तो कह दीजिए कि गुणनखंड है पहले वाला दूसरे का, नहीं तो कह दीजिए कि गुणनखंड भी नहीं है। फिर देखिए प्रश्न संख्या दो का भाग दो, हल में लिख लीजिए पहले वाले को x के पदों में है जी एक्स मान लीजिए, दूसरे वाले को क्या मान लीजिए पी एक्स, लिखेंगे माना जी एक्स बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक तथा पी एक्स बराबर तीन एक्स की घात चार प्लस पाँच एक्स क्यूब माइनस सात एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस दो। क्या दोनों मानक रूप में ही हैं? विभाजन कर देंगे हम, जी एक्स से भाग देंगे किसमें, पी एक्स में। तो लिख लीजिए पी एक्स और जी एक्स को। देखिए जी एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक, एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक, इसका भाग लगाना है हमें किसमें, तीन एक्स की घात चार प्लस पाँच एक्स क्यूब, तीन एक्स की घात चार प्लस पाँच एक्स क्यूब प्लस पाँच एक्स क्यूब माइनस सात एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस दो, माइनस सात एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस दो। विभाजन करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने कई सारे उदाहरण कर लिए हैं बच्चों, कई सारे प्रश्न भी कर लिए हैं, जल्दी जल्दी विभाजन कर लीजिए। तीन एक्स की घात चार को जब आप एक्स स्क्वायर से विभाजित करोगे तो तीन एक्स की घात दो आएगा, इसको गुणा कर लीजिए, यह आ जाएगा तीन एक्स की घात चार प्लस नौ एक्स क्यूब प्लस तीन एक्स की घात दो। फिर घटा लेंगे, माइनस 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 हो जाएगा, ये हो गया कैंसिल, यह आ जाएगा माइनस चार एक्स क्यूब माइनस दस एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स प्लस दो। अब उच्चतम घात वाला पद माइनस चार एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर से विभाजित करोगे तो माइनस का चार एक्स आएगा, गुणा कर ले माइनस के चार एक्स को तो माइनस का चार एक्स क्यूब माइनस का बारह एक्स स्क्वायर माइनस का चार एक्स। घटा लीजिए, ये प्लस ये प्लस ये भी प्लस, ये हो गया कैंसिल, ये आ जाएगा दो एक्स स्क्वायर, ये प्लस में छः एक्स, ये प्लस में दो। अब उच्चतम घात वाला पद दो एक्स स्क्वायर, उस पर उसको एक्स स्क्वायर से विभाजित करोगे तो प्लस में दो आ जाएगा, दो से भाजक को गुणा करके लिख दीजिए, दो एक्स स्क्वायर प्लस छः एक्स प्लस दो आ जाएगा। घटा लें घटा लें, शेषफल कितना आ जाएगा, जीरो लिखेंगे क्योंकि आर एक्स बराबर जीरो, शेषफल बहुपद क्या मिला हमें, जीरो मिला, इसलिए प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक क्या है बच्चों, गुणनखंड है। प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। फिर बढ़ते हैं आगे, देखिए प्रश्न संख्या दो का भाग तीन, यहाँ हल में वही हम पहले बहुपद को जी एक्स और दूसरे वाले को क्या मान लेंगे, पी एक्स। तो देखिए माना पी जी एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स प्लस एक, मानक रूप में लिखेंगे तो एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस एक के रूप में लिखा जाएगा। ये एक्स स्क्वायर वाले पद का गुणांक क्या ले लेंगे, जीरो, तथा पी एक्स कितना, एक्स की घात पाँच माइनस चार एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक, इसको भी मानक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 5 प्लस 0 x की घात 4 माइनस 4 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 1। अब विभाजन कर दीजिए, पी एक्स में जी एक्स का भाग लगा दीजिए। तो देखिए x क्यूब प्लस 0 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स प्लस 1, एक्स क्यूब प्लस जीरो एक्स स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस एक से विभाजित करना है, इससे विभाजित करना है किसको, एक्स की घात पाँच प्लस जीरो एक्स की घात चार, एक्स की घात पाँच प्लस जीरो एक्स की घात चार माइनस चार एक्स क्यूब माइनस चार एक्स क्यूब माइनस चार एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक प्लस एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस एक को। उच्चतम घात वाला पद एक्स की घात पांच, इधर उच्चतम घात वाला पद एक्स की घात तीन, विभाजन करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स की घात दो, एक्स की घात दो से इसको गुणा कीजिए, एक्स की घात पांच प्लस जीरो
एक्स की घात 4 माइनस 3 एक्स की घात 3 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। देखिए ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। एक्स की घात 5 में से एक्स की घात 5 गया 0, 0 एक्स की घात 4, 0 एक्स की घात 4, 0 एक्स की घात 4 आएगा। माइनस में 4 एक्स क्यूब, प्लस में 3 एक्स क्यूब कितना बच जाएगा, माइनस में एक्स क्यूब, प्लस में एक्स स्क्वायर, माइनस में एक्स स्क्वायर, प्लस में बच जाएगा 0 एक्स स्क्वायर, और ये प्लस में 3 एक्स प्लस 1। यहाँ तक की कहानी पकड़ में आई। अब उच्चतम घात वाला पद माइनस एक्स क्यूब, उसमें एक्स क्यूब का विभाजन करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस के 1 से गुणा कर दीजिए, माइनस एक्स क्यूब माइनस 0 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स माइनस 1। चिन्ह बदल के, चिन्ह बदल के जोड़ लीजिए, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब कैंसिल, 0 एक्स स्क्वायर, 0 एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस का 3 एक्स, माइनस का 3 एक्स कैंसिल, प्लस का 1, प्लस का 1 कितना 2। अब देखिए शेषफल कितना आया, क्योंकि आर एक्स शेषफल बराबर आया है 2 के, जो कि 0 नहीं है, इसलिए हम कहेंगे प्रथम जो बहुपद है, प्रथम बहुपद दूसरे दूसरे बहुपद का गुणनखंड है या नहीं। सोचिए बच्चों, दूसरे बहुपद का गुणनखंड इस बार हम मना कर देंगे, गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है गुणनखंड, क्योंकि शेषफल 0 नहीं आया। जब भी हम किसी बहुपद में उसके गुणनखंड का भाग देते हैं तो शेषफल हमेशा 0 आता है। यहाँ शेषफल 2 आया है, इसलिए बोलेंगे कि ये प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं। समझ में आ गया, चलिए आगे बढ़िए बच्चों। प्रश्न संख्या 3, 3 एक्स घात 4 प्लस 6 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। ये 4 घात वाला एक बहुपद है, इसके अन्य सभी शून्य हमें ज्ञात करने हैं। यदि इसके 2 शून्य के हमें पता हैं, कौन से हैं 2 शून्य के, अंडर रूट 5 बटे 3 और माइनस अंडर रूट 5 बटे 3। 4 घात वाले बहुपद के कितने शून्य होते हैं बच्चों, कुल 4 शून्य होते हैं, जिनमें से 2 हमें पता है, 2 हमें पता है और बाकी के बचे 2 हमें ज्ञात करने हैं। इसी प्रकार का एक उदाहरण हमने किया था बच्चों, उसी तरीके से इस प्रश्न को भी हम हल करेंगे। देखिए हल में हम लिखेंगे, पहले जो बहुपद दिया गया है उसे लिख लेते हैं एफ एक्स। तो माना कि एफ एक्स बराबर है 3 एक्स की घात 4 प्लस 6 एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 10 एक्स माइनस 5। फिर देखिए बच्चों, क्योंकि x बराबर अंडर रूट 5 बटे 3 और माइनस अंडर रूट 5 बटे 3 बहुपद एफ एक्स के 2 शून्य हैं, एफ एक्स के क्या हैं 2 शून्य हैं, अतः बच्चों एक्स माइनस अंडर रूट 5 बटे 3 और एक्स प्लस अंडर रूट 5 बटे 3 एफ एक्स के क्या हैं गुणनखंड हैं। ठीक है, कैसे, आइए समझिए। देखिए बच्चों, अगर ये एफ एक्स 4 घात वाला बहुपद है, इसकी घात कितनी है, इसकी घात है 4, तो इसके शून्य ज्ञात करने के लिए हमें इसका क्या करना होगा, गुणनखंड करना होगा, और इसके 4 रेखिक गुणनखंड x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, x माइनस गामा और x माइनस डेल्टा, इस प्रकार के 4 गुणनखंड होंगे। फिर प्रत्येक को हम 0 के बराबर रख कर, प्रत्येक को 0 के बराबर रख कर क्या निकाल लेते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं, x बराबर अल्फा, x बराबर बीटा, x बराबर गामा और x बराबर डेल्टा, इस तरीके से हमें शून्यक मिलते हैं।
तो उल्टा सोचिए कि अगर x बराबर अल्फा इसका शून्यक है तो x माइनस अल्फा इसका क्या था, गुणनखंड था। ठीक इसी कंसेप्ट को मैंने यहाँ यूज किया है, x बराबर अंडर रूट 5/3 अगर इसका शून्यक है तो इधर लाके सोचिए x माइनस अंडर रूट 5/3 जरूर इसका क्या था, गुणनखंड था, तभी तो ये शून्यक हुआ। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस के अंडर रूट 5/3 को x की तरफ लेके आओगे तो x प्लस अंडर रूट 5/3 इसका एक क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। ये बात उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गई है। क्यों लिखा है मैंने कि x माइनस अंडर रूट 5/3 और x प्लस अंडर रूट 5/3 इस एफ एक्स के गुणनखंड है। अब देखिए लिखेंगे, अब अन्य दो शून्यकों के लिए हमें एफ एक्स के अन्य दो गुणनखंड ज्ञात करने होंगे, अगर हमें बाकी के दो शून्यक ज्ञात करने हैं तो हमें अन्य दो गुणनखंड ज्ञात करने होंगे। कैसे ज्ञात करेंगे देखिए, इसलिए अन्य दो गुणनखंडों के लिए हम विभाजित कर देंगे हम एफ एक्स को एक्स प्लस अंडर रूट 5/3 व एक्स माइनस अंडर रूट 5/3 से विभाजित कर देंगे क्यों, समझिए इस बात को भी समझिए बच्चों। जैसे कि 18 का एक गुणनखंड है 9, तो बताइए दूसरा गुणनखंड क्या होगा। 18 को हम क्या ले सकते हैं, 9 गुणा क्या, बताओ दूसरा गुणनखंड क्या होगा। आप सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे भर देंगे 2, कैसे पता क्या, इस 9 को इधर ले जाके भाग दिया। तो बचे हुए गुणनखंड पता करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा विभाजन करते हैं। इसीलिए मैंने लिखा अन्य दो गुणनखंडों के लिए हम एफ एक्स को विभाजित कर देंगे इन दोनों से। अर्थात बच्चों देखिए लिखेंगे, अर्थात इन दोनों के गुणनफल से एक्स प्लस अंडर रूट 5/3 एक्स माइनस अंडर रूट 5/3 बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3। कैसे, ए प्लस बी ए माइनस बी, इन दोनों का गुणनफल ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 5/3। इससे विभाजित करेंगे एफ एक्स को, अर्थात इन दोनों के गुणनफल इससे एफ एक्स को विभाजित करना होगा, क्या ये कहानी समझ में आ गई क्या, ये जो मैंने आपको बताया ये बात आपको समझ में आ गई क्या। तो यहाँ से आगे हम करेंगे विभाजन, ठीक है। तो इतना लिखिए, इसके बाद में ये चीज़ आपके समझने की है, इसको आपको नोट नहीं करना, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि अन्य दो शून्यकों के लिए हमें क्या करना होगा, एफ एक्स के अन्य दो गुणनखंड ज्ञात करने होंगे, और अन्य दो गुणनखंडों के लिए हम एफ एक्स को इन दोनों से विभाजित करेंगे। इन दोनों से विभाजित करने का मतलब इन दोनों के गुणनफल से विभाजित करेंगे। तो देखिए इसको कर देते हैं रफ और समझते हैं आगे आपको क्या करना है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है, एफ एक्स इसको मान लिया, ये दोनों इसके शून्य के इसलिए ये गुणनखंड होंगे। तो देखिए हम लिखेंगे बच्चों, इम्प्लाइज एक्स प्लस अंडर रूट 5/3 गुणा एक्स माइनस अंडर रूट 5/3 अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 भी एफ एक्स का एक गुणनखंड है,
इन दोनों का गुणनफल भी एक गुणनखंड होगा। और अब अन्य दो गुणनखंडों के लिए, अब अन्य दो गुणनखंडों के लिए, अन्य दो गुणनखंडों के लिए देखिए, x स्क्वायर माइनस 5/3 से विभाजित कर दीजिए जो बहुपद आपको दिया गया है। क्या है बहुपद? 3x^4 + 6x³। 3x^4 + 6x³ -2x² - 10x - 5। इसको विभाजित कर देंगे इससे। तो प्रथम पद में प्रथम पद का भाग लगाइए, अर्थात उच्चतम भाज्य की उच्चतम घात वाले पद में इसका उच्चतम घात वाले पद का भाग लगाइए, तो आ जाएगा आपके पास 3x^2। 3x^2 से इसको गुणा करेंगे जब आपके पास आएगा 3x^4। 3x^2 से इसको गुणा करेंगे, 3 से 3 कट जाएगा, ये आ जाएगा -5x^2। x³ वाला कोई पद आपको नहीं मिलेगा, ये माइनस ये प्लस, ये हो गया कैंसिल, ये आ गया प्लस में 6x³ और प्लस में 3x² और -10x और ये -5। अब उच्चतम घात वाला पद 6x³, इसको x² से विभाजित करोगे तो देखिए आ जाएगा 6x। कितना आ जाएगा? 6x। 6x से इसको गुणा कर दीजिए, ये मिलेगा आपको 6x³ माइनस में 10x। घटा लेंगे तो ये माइनस ये प्लस, ये हो गया कैंसिल, ये भी हो गया कैंसिल, यहाँ आ गया आपके पास 3x² और ये माइनस में 5। अब उच्चतम घात वाला पद 3x², उसको x² से डिवाइड करोगे, भाग लगाओगे तो प्लस में 3 आएगा, प्लस के 3 से इसको गुणा करोगे तो 3x² - 5 आ जाएगा। घटाने पर ये भी क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, शेषफल क्या आ जाएगा? 0। देखिए ये इसका गुणनखंड ही तो था, तो गुणनखंड का भाग लगाने पर हमेशा शेषफल 0 आता है। बाकी के दो गुणनखंड क्या हो गए? बाकी के दो गुणनखंड हो गए 3x² + 6x + 3। लिखेंगे बच्चों, अतः है अन्य दो गुणनखंड, अन्य दो गुणनखंड वो हो जाएंगे 3x² + 6x + 3। 3 उभयनिष्ठ ले लीजिए, 3x² + 6x + 3 3 उभयनिष्ठ ले लीजिए, x² + 2x + 1 अंदर बच जाएगा, इसको गुणनखंड कर लीजिए, गुणनखंड कर लीजिए बच्चों, आ जाएगा x + 1 और x + 1। तो अन्य दो गुणनखंड आ गए x + 1 × x + 1। ठीक है, अब हम अन्य दो शून्यक भी निकाल लेंगे, अतः है अन्य दो शून्यक एक बार तो इसको 0 के बराबर कर दीजिए -1, इस फिर इसको 0 के बराबर कर दीजिए तो भी क्या आएगा? -1। तो -1 और -1 क्या हो गए? हमारे अभिष्ट अन्य दो शून्यक हो गए, जो कि हमें प्रश्न संख्या 3 में ज्ञात करने थे। अन्य सभी शून्यक हमें पता है 4 घात वाला है, तो 4 शून्यक होंगे, 2 हमें दिए गए हैं, अन्य 2 हमें ज्ञात करने हैं। fx मानेंगे इसके, ये दोनों शून्यक है इसलिए ये गुणनखंड होंगे, और ये दोनों गुणनखंड है तो इनका गुणनफल भी fx का गुणनखंड होगा। फिर अन्य दो गुणनखंडों के लिए हम भाग लगा देंगे, जो भागफल आएगा वही अन्य दो गुणनखंड आएंगे। अन्य दो गुणनखंडों से हम अन्य दो शून्यक निकाल लेंगे। उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 3 और हमारी पाठ्य पुस्तक के ऐसे ही उस उदाहरण में अब आपको कोई समस्या नहीं रही होगी। 4 घात वाला बहुपद दे, उसके 2 शून्यक आपको पता हो, बाकी 2 आपको पता करने हो, आप आसानी से ज्ञात कर पाएंगे। चलिए बढ़े आगे, देखिए प्रश्न संख्या 4। यहाँ पर आपसे कहा गया है यदि x³ - 3x² + x + 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x - 2 और -2x + 4 हैं, तो gx ज्ञात कीजिए। gx हमें ज्ञात करना है। कहानी इस तरीके की है कि gx से हमने एक बहुपद
एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो को विभाजित किया, भागफल हमें एक्स माइनस दो मिल गया और शेषफल हमें माइनस का दो एक्स प्लस चार मिल गया। हमें ये जी एक्स ज्ञात करना है। तो इन चारों चीजों में एक संबंध आपको पता है जिसे हम कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम। उससे हम बच्चों क्या जानते हैं, देखिए यहीं से स्टार्ट करेंगे हल और लिखेंगे विभाजन एल्गोरिथम से क्योंकि पी एक्स बराबर होता है जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स, इसलिए यहाँ से जी एक्स बराबर हो जाएगा पी एक्स माइनस आर एक्स। पी एक्स में से आर एक्स घटाकर हम क्यू एक्स से विभाजित कर देंगे। जी एक्स कैसे निकालेंगे, पी एक्स माइनस आर एक्स अपॉन क्यू एक्स। देखिए यहाँ जी एक्स तो आपको ज्ञात करना है, पी एक्स हमारे पास है, भाज्य हमारे पास क्या है, भाज्य बहुपद जिसमें भाग लगाना है क्या है, एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो। एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो। क्यू एक्स भागफल हमारे पास है, भागफल कितना है, भागफल हमारे पास है एक्स माइनस दो, तथा शेषफल आर एक्स हमारे पास, आर एक्स हमारे पास है माइनस दो एक्स प्लस चार, माइनस का दो एक्स प्लस चार। अतः बच्चों जी एक्स हो जाएगा पी एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, बच्चों एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो माइनस आर एक्स माइनस का दो एक्स प्लस चार बटे जी एक्स। जी एक्स का मतलब एक्स माइनस दो। यहाँ से जी एक्स बराबर आ जाएगा, देखिए एक्स क्यूब अपनी जगह, माइनस तीन एक्स स्क्वायर अपनी जगह, ये प्लस का एक्स, ये प्लस के दो एक्स कितना हो जाएगा, प्लस का तीन एक्स, ये प्लस का दो माइनस का चार, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा माइनस का चार, दो माइनस चार कितना होता है माइनस दो, डिवाइड करेंगे एक्स माइनस दो से तो हमें मिल जाएगा जी एक्स। अब कर दीजिए विभाजन, तो देखिए एक्स माइनस दो का भाग लगाना है हमें किसमें, किसमें बच्चों, एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस दो। एक्स क्यूब माइनस तीन एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स माइनस दो में, तो उच्चतम घात वाले पद भाज्य की उच्चतम घात में भाजक की उच्चतम घात का भाग लगाइए कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर से इसको गुणा कर दीजिए, एक्स क्यूब माइनस दो एक्स स्क्वायर घटा लीजिए माइनस प्लस, ये हो गया कैंसिल, ये माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का तीन एक्स माइनस दो। अब उच्चतम घात माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स से विभाजित कर दीजिए माइनस का एक्स, माइनस के एक्स से इसको गुणा कर दीजिए माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का दो एक्स, घटा लीजिए ये प्लस का ये माइनस का, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया एक्स माइनस दो। अब एक्स में एक्स का भाग लगाएंगे प्लस का एक बार, एक से गुणा करेंगे एक्स माइनस दो और घटा लीजिए कितना बच जाएगा जीरो, कितना बच जाएगा जीरो बच जाएगा। अतः जो जी एक्स आएगा वो आ जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। विभाजन करने पर आपको क्या मिला, जी एक्स मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक। तो इस तरीके से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या चार को, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपको विभाजन एल्गोरिथम अच्छे से पता है तो, ठीक है ना बच्चों। अब देखिए आगे प्रश्न संख्या पाँच, बहुपदों पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो तथा भाग एक, प्रश्न संख्या पाँच के भाग एक में हमसे कहा गया है घात पी एक्स घात क्यू एक्स के बराबर हो। हमें चार बहुपद लिखने हैं, एक पी एक्स, एक जी एक्स, एक क्यू एक्स और एक आर एक्स। इस प्रकार से लिखने हैं कि ये विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करें। क्या है विभाजन एल्गोरिथम, पी एक्स बराबर होना चाहिए जी एक्स गुणा
क्यू एक्स प्लस आर एक्स के। इस संबंध को संतुष्ट करें, इसी संबंध को हम कहते हैं विभाजन एल्गोरिथम, इसको संतुष्ट करते हुए होना चाहिए और भाग एक में घात पी एक्स घात क्यू एक्स के बराबर होनी चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात, उस बहुपद में उपस्थित चर की अधिकतम घात। जिस भी बहुपद की घात आपको ज्ञात करनी है, आप चर की अधिकतम घात ले लीजिए, उसे ही हम बहुपद की घात कहते हैं। भाग एक में हमने अच्छे से डिस्कस किया था बहुपद की घात को, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से याद भी होगा। अब देखिए विभाजन एल्गोरिथम में घातों का क्या रोल है। जब आप किसी बहुपद पी एक्स को किसी दूसरे बहुपद जी एक्स से विभाजित करते हैं तो यहाँ आता है क्यू एक्स और यहाँ आता है शेषफल आर एक्स। इस शेषफल आर एक्स के बारे में हम जानते हैं कि शेषफल आर एक्स जो होता है वो तो या तो होता है ज़ीरो, या हम इसकी घात जो होती है शेषफल की घात हमेशा कम होती है, किससे, घात जी एक्स, भाजक की घात से कम ही हमें प्राप्त होती है। अगर ज़्यादा है तो हम अभी और विभाजित करते हैं ना, तो आर एक्स की घात हमेशा इसकी घात से कम होती है। और इस क्यू एक्स की घात क्या होती है, इसका जो प्रथम पद आता है वो इसके प्रथम पद में इसके प्रथम पद को विभाजित करने से आता है, अर्थात हम पी एक्स की उच्चतम घात वाले पद में जी एक्स की उच्चतम घात वाले पद से विभाजित करके क्यू एक्स की उच्चतम घात वाला पद प्राप्त करते हैं। तो क्यू एक्स की जो घात होगी बच्चों, घात जो क्यू एक्स होगी वो हमेशा किसके बराबर आएगी, घात पी एक्स माइनस घात जी एक्स के। अब मुझे इन दोनों की घातें अगर बराबर चाहिए तो जी एक्स मुझे ऐसा लिखना होगा जिसकी घात ज़ीरो हो, क्योंकि इसमें से कुछ भी घटाया तो पी एक्स की घात क्यू एक्स की घात से, क्यू एक्स की घात पी एक्स की घात से कम हो जाएगी। इसलिए याद रखिए, अगर आपको पी एक्स की घात क्यू एक्स की घात के बराबर चाहिए तो जी एक्स आपको कोई अचर संख्या लेनी होगी। तो इसी कंसेप्ट को यूज करके हम चार उदाहरण लिखेंगे, देखिए कैसे। हल में लिख लीजिए पी एक्स, जो कुछ आप लिखना चाहें वो लिख दीजिएगा, लेकिन जी एक्स आपको डेफिनेटली कोई अचर लिखना होगा, तो अचर लिख देता हूं मैं 3। ठीक है, अचर क्यों, क्योंकि अगर इसकी घात 0 से अधिक हुई, 1 भी हुई, तो फिर पी एक्स की घात क्यू एक्स की घात के बराबर नहीं आएगी। अब पी एक्स लिख दीजिए आप, जैसे 3x³ माइनस 9x² प्लस 6x प्लस 3। सबके मैंने क्या ले लिए, 3 के गुणांक ले लिए, ताकि भाग लगाना मेरे लिए आसान रहे। जब आप इसमें 3 का भाग लगाएंगे तो क्यू एक्स आपके पास आ जाएगा x³ माइनस -3x² प्लस 2x प्लस 1। और क्योंकि पूरा भाग जा रहा है इसलिए शेषफल हम लिख लेंगे 0। तो चार बहुपद हमने लिख दिए हैं इस प्रकार से कि पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स विभाजन एल्गोरिथम को क्या करेंगे, संतुष्ट करेंगे। भाग एक समझ में आया। फिर देखिए भाग दो, इसके हल में भी हमें वही लिखने हैं, पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के उदाहरण, लेकिन अब की बार घात क्यू एक्स घात आर एक्स के बराबर होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा बच्चों कैसे लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मैं माइंड में चला रहा हूँ अपने, आपको भी ये सीखना है। जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स इस तरीके से होनी चाहिए ना ये। अब इन दोनों की घातें बराबर होनी चाहिए, तो मैं इनको एक घात ये बहुपद भी ले सकता हूँ, दो घात वाला भी ले सकता हूँ, तीन घात वाला भी। कम घात का लेंगे आसान पड़ेगा, तो देखिए आर एक्स को मैं ले लेता हूँ 3x+2। एक घात वाला ले लिया तो क्यू एक्स भी मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक घात वाला, ये लो मैंने ले लिया x-1। दोनों एक घात के ले लिए। अब मैं ले लेता हूँ जी एक्स की जगह कुछ भी, x³ ले लेता हूँ, सपोज x³। तो पी एक्स क्या आएगा, इसको हल कर लीजिए, पी एक्स आ जाएगा, यह आ जाएगा x की घात 4-x³ प्लस 3x+2। ये किसका मान आएगा, पी एक्स का, तो मैं पी एक्स लिख रहा हूँ x की घात 4-x³ प्लस 3x+2। क्या आपने ध्यान दिया कि जब भी मुझे उदाहरण लिखना है पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स का, तो मैं ऐसे ही मन मर्जी से पी एक्स से स्टार्ट नहीं करूँगा,
मैं क्या करूंगा, पहले सोचूंगा कि क्या कंडीशन दी गई है, घात क्यू एक्स और घात आर एक्स बराबर होनी चाहिए, तो बराबर घात वाले लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद में मैं अपनी मनमर्जी से कुछ भी डाल सकता हूँ। तो जैसे जी एक्स डालोगे पी एक्स अपने आप आपको मिल जाएगा। तो जी एक्स मैंने खुद से डाला है एक्स क्यूब, आप इसकी जगह एक्स प्लस वन डाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर डाल सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। अचर पद मत डाल दीजिएगा, अचर पद मत डाल दीजिएगा, क्योंकि फिर अचर में जब आप किसका जी एक्स का भाग लगाओगे, अच्छा अचर भी डाल दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी डाल दीजिएगा, जी एक्स की जगह आपको मिल जाएगा पी एक्स। फिर जी एक्स आपने क्या डाला, जी एक्स आपने डाला एक्स क्यूब, क्यू एक्स क्या डाला था एक्स माइनस एक, और शेषफल क्या बचेगा तीन एक्स प्लस दो। चाहे तो आप जी एक्स का पी एक्स में भाग लगा के क्यू एक्स और आर एक्स पता कर लीजिए, यही मिलेंगे। तो इस प्रकार इस शर्त को पूरा करने वाले चार उदाहरण ऐसे लिखेंगे बच्चों। फिर से देखिए एक और करते हैं, इसी का भाग तीन, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको कि क्या चल रहा है दिमाग के अंदर। आर एक्स की घात चाहिए आपको जीरो, हमें लिखने हैं चार बहुपद पी एक्स क्यू एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स, ये चार बहुपद हमें लिखने हैं। अब हमें चाहिए आर एक्स की घात जीरो, तो देखिए पी एक्स बराबर होता है जी एक्स गुणा क्यू एक्स प्लस आर एक्स। आर एक्स मुझे चाहिए जीरो घात वाला, इसका मतलब अचर संख्या, तो आर एक्स की जगह लिख दीजिए तीन। अब मैं इन दोनों के चुनाव के लिए क्या हूँ, स्वतंत्र हूँ, कुछ भी लिख सकता हूँ अपनी मर्जी से। इसको मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस दो, इसको मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस एक, ठीक है। पी एक्स मिल जाएगा ना, इन दोनों को गुणा कर लीजिए, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस दो, और ये प्लस का तीन अपनी जगह, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस पाँच। तो पी एक्स हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस तीन एक्स प्लस पाँच, और जी एक्स हमने क्या लिखा है एक्स प्लस एक, जी एक्स हमने लिखा है एक्स प्लस एक, क्यू एक्स हमने क्या लिखा है एक्स प्लस दो, एक्स प्लस दो, और आर एक्स हमने कितना लिखा है तीन, आर एक्स हमने क्या लिखा है तीन। तो इस तरीके से हल कर लेंगे प्रश्न संख्या पाँच के तीनों भागों को। ये जो माइंड में चलाना है बच्चों, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। आप पहले जो प्रतिबंध दे रखा है उसके अंतर्गत जो चीज़ें दी गई है पहले उनको लिखिए, उसके बाद में जी एक्स का क्यू एक्स का आर एक्स का जो बच जाए उसका चुनाव अपनी तरफ से कर लीजिए। हल करके पी एक्स का मान निकाल लीजिए, लिख दीजिए चारों उदाहरण पी एक्स जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स के उदाहरण, ठीक है ना, समझ में आया। तो इस तरीके से हल कर लेंगे हम पूरी प्रश्नावली 2.3 के प्रश्न संख्या 1 से 5 तक को। उम्मीद करता हूँ सारे प्रश्न आपने अच्छे से मेरे साथ हल किए हैं, समझे हैं, और एक बार पुनः आप क्या करेंगे, प्रयास करेंगे हर एक प्रश्न का। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप प्रयास करते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद बच्चों।